खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, एबीपी न्यूज पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज 16 मई है, वही दिन जब आज से ठीक 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था और नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया था। उसके आज 5 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन एक बार फिर बनारस इस वक्त देश की चुनावी राजधानी बना हुआ है। 7वें चरण का मतदान यहाँ 19 तारीख को होना है, लेकिन उसके पहले इस वक्त बनारस में सिर्फ एक ही चर्चा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बनारस से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे। और यही जानने के लिए एबीपी न्यूज के तमाम संवाददाताओं ने बनारस के चौराहों का आज चौराहों पे जाके जानने की कोशिश की। अलग अलग जगहों पर गए, बनारस के रहने वाले तमाम लोगों से मिले और उनसे पूछा कि क्या मिजाज है, क्या बनारस कह रहा है, क्या काशी के लोग चाहते हैं। आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। यहाँ के चुनाव में चंद घंटे बचे हैं तो ये चौराहे चुनावी चर्चा के अड्डे बन गए हैं। बनारस सिर्फ घाटों मंदिरों तक सीमित नहीं है। बनारस गए और इन चीजों का आनंद नहीं लिया तो दौरा सफल नहीं माना जाता। और काशी के रहने वाले तो इन्हीं चौराहों पर जीते खाते मस्त रहते हैं। काशी की प्रसिद्ध दुकानों पर लोगों की चर्चा में चुनाव की ही बातें हैं। मोदी जीतेंगे तो कितने वोटों से जीतेंगे, प्रियंका का रोड शो कितना असर डालेगा, इन्हीं सवालों के जवाब में बनारस की सुबह से शाम हो जा रही है। बनारस में घूमते हुए हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित पप्पू की अड़ी पर पहुंच गए। पप्पू की अड़ी ये वैसे तो एक चाय की दुकान है, लेकिन ये चाय की दुकान से ज्यादा भी बहुत कुछ है। यहाँ की चाय वैसे तो मशहूर है, लेकिन इस चाय से भी ज्यादा मशहूर है यहाँ पर होने वाली चर्चा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, काशी के संगीतकारों, प्रोफेसरों, पत्रकारों, कुलपतियों, आचार्यों व राजनीतिज्ञों का बुद्धि संवर्धन स्थान। यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर बनारस की पॉलिटिकल गॉसिप होती है, राजनीतिक चर्चा होती है और हर वक्त यहाँ पर हमें लोग मिल जाते हैं चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा करते हुए। वोट तो महानायक को जा रहा है, इस सदी का महानायक इस बनारस से लड़ रहा है, उस प्रधानमंत्री को वोट दे रहा है। पिछली बार 2014 में हम लोग ने और पूरी काशी की जनता ने एक प्रधानमंत्री को उम्मीदवार को वोट दिया था और इस बार लोग प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं। किसी राय को नहीं दे रहे हैं, किसी यादव को नहीं दे रहे हैं, किसी जात पात पर नहीं दे रहे हैं, किसी धर्म पर नहीं दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्रवाद के लिए और अपने विचारों के लिए, अपने विकास के लिए प्रधानमंत्री जी को वोट दिया जा रहा है। बनारस में जिस दिन मोदी का नामांकन हुआ, जिस दिन उनका प्रत्याशी तय हुआ, उनकी पार्टी ने तय किया, उसी दिन उनकी जीत तय होगी। पिछले बार 3,81,000 वोट से वो जीते थे, इस बार कम से कम 6 लाख से वोट जीतेंगे। प्रियंका गांधी एक नई रूप में आई हैं, उनका स्वागत है, देश की बेटी हैं, देश की बहू हैं, जो भी हो, लेकिन बनारस से उनका कोई संबंध नहीं है। अब बनारस के लोग अपने संबंधों को निर्वाते हैं। मोदी 5 साल में बनारस को मत दिया, 17 बार आए, 19 बार आए, यहाँ तमाम तरह की विकास योजनाएं। आप ये बताइए कि मेरा प्रियंका गांधी से एक छोटा सा सवाल है कि मोदी के विकल्प में उनको बनारस को डेवलप करने का क्या मॉडल है। पहले मॉडल तो तय करें, मॉडल तय करने के बाद ना वो चुनाव लड़ेंगी। बनारस में किसी से पूछो तो जवाब यही मिलेगा कि मोदी के आगे कोई नहीं है टक्कर। हमारे अलग अलग रिपोर्टर काशी के चौराहों के चक्कर लगाकर सिर्फ यही पता कर रहे हैं कि माहौल है क्या। बाबा पान की दुकान बनारसी पान के लिए प्रसिद्ध है, पूरी दुकान मोदी में नजर आती है। यहाँ संवाददाता आशीष सिंह ने पान खाकर लोगों का मूड जाना। बनारस आए और बाबा जी का पान नहीं खाया तो क्या किया। यहाँ देखिए, ये बनारस की सबसे प्रसिद्ध पान की दुकान है, जो एक समय बहुत बड़ी दुकान हुआ करती थी, बाद में इसे तोड़ दिया गया था, फिर यहाँ पर इस दुकान को चलाया जा रहा है। मैं भी पान खाऊंगा, मुझे खिलाएंगे तो दीजिए एक पान। ये जो वो बड़ी फेमस, बहुत प्रसिद्ध अमिताभ बच्चन की डॉन फिल्म का गाना था, भंग का रंग लगा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। क्यों बाबा जी? सर, खई के पान बनारस वाला, खई के पान बनारस वाला। मैं देख रहा हूँ कि आपकी दुकान पे भी आपने ये पूरा, मतलब क्या लिखा है यार,
नमो अगेन, हाँ नमो अगेन। यहाँ पर भी प्रचार चल रहा है, प्रधानमंत्री खुद यहाँ के सांसद है, आप बताइए। यहाँ पे बहुत सारे विकास हुए हैं मोदी जी के जरिए, और यहाँ पे फोर लेंथ बहुत सारे बने हुए हैं, नया विकास हुआ है, और BHU में भी बहुत सारे विकास हुए हैं। आप बनारस के ही रहने वाले हैं जी? चंदौली लोकसभा। अच्छा, यहाँ से हम मैं आपसे पूछूँ, वो चुनाव लड़ जाती तब कुछ नहीं होगा? आप बताइए। कुछ नहीं होगा, क्या लगता है बाबा, अगर प्रियंका जी यहाँ से चुनाव लड़ गई होती तो? थोड़ा असर पड़ता उनका लड़ने से, जो मेन कांग्रेसी जो पलटे हैं BJP के साथ वो नहीं जाते तब। आइए और लोगों ने बात करने। भाई साहब आप कहाँ के रहने वाले? मैं तो प्रॉपर बनारस के रहने वाला हूँ। मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी जीतना है। ऐसा क्यों? लीड कम हो सकता है, लीड कम हो सकता प्रियंका है, जी के आने से असर बड़ा। लीड कम हो सकता है, 2,000, 4,000, 5,000 कम हो सकता है, मगर मोदी जी का जितना कंफर्म है। और अगर पहले से आके चुनाव की तैयारी पहले से करती है, खुद ही लड़ती तब? तो भी वही फर्क पड़ता है जो मैं अभी बोला हूँ। मतलब प्रधानमंत्री जी ने बहुत काम किया है, कुछ बहुत किए हैं, चारमारी बनाया है, इधर बनाया है, हर जगह बाबतपुर एयरपोर्ट रास्ता बना है, हर जगह बहुत विकास हुआ है, लाइट मिली है हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया बढ़िया। दुकान वाले से लेकर पान खाने वालों की बातों को सुनकर लगता तो यही है कि मोदी, अजय राय और शालिनी यादव की लड़ाई में मोदी सबसे आगे हैं। प्रियंका के रोड शो ने आखिरी समय में माहौल बनाने की कोशिश तो की, लेकिन मोदी की जीत पर ज्यादा असर पड़ेगा ऐसा वाराणसी के लोग नहीं मान रहे। लोग सुबह से ठंडई की दुकानों पर आना शुरू कर देते हैं, ये बादल ठंडई यहाँ पर देखिए लोग आना शुरू हो गए हैं, यहाँ पर जो इकट्ठा लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप बताइए कब से दुकान चला रहे हैं? तो पुराने दुकान है यहाँ तो, जिससे बात जितने भी आते हैं कस्टमर बात होती है तो मोदी की ही बात करते हैं। अब आगे देखिए किसका जिसका लक हो। बनारस के ही रहने वाले हैं? ये बनारस के रहने वाले हैं। ऐसे तो सबके दिमाग पर तो ये मोदी का ही यहाँ पर चर्चा होती है ज्यादा। और यहाँ पर अंदर कुछ कस्टमर्स भी है, उनसे बात करता हूँ मैं। अच्छा, आप लोग ठंडे ही पी रहे थे? जी साहब, हम लोग ठंडे ही पीने ठंडे होने आए थे यहाँ। ठंडे ही पी के ठंडे होने, क्या लगता है आपको माहौल क्या बन? अब माहौल देखिए, मोदी के कद पद के आगे प्रियंका जी की वो बात तो नहीं है, जैसे बीच में रूमर उड़ा कि प्रियंका जी उनके अगेंस्ट लड़ने वाली हैं, बट बीच में थी चर्चा, बीच में थी चर्चा, पर वो क्विट कर गई, उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर बचाया एक तरह से। इसको लगता है अगर वो लड़ती तो चुनौती दे सकती थी? चुनौती तो नहीं, हाँ थोड़ा बहुत तो फर्क डाल ही सकती थी चुनाव पे। आपको क्या? यहाँ से तो मोदी जी ही आ रहे हैं, फिर किसी की तो यहाँ माहौल बिगड़ने वाला नहीं है, चाहे कोई भी रोड शो कर ले। रोड शो पे डिपेंड नहीं करता, रोड शो तो अपनी जगह पे है, लेकिन यहाँ पे लोगों के दिलों पे मोदी जी ही रहते हैं, तो मोदी जी जीतेंगे। वाराणसी में लोगों को लग रहा है कि इस बार मोदी की जीत 2014 से बड़ी होने वाली है। 2014 में मोदी को वाराणसी में 5,81,000 वोट मिले थे, मोदी करीब 3,70,000 वोटों से जीते थे। उस वक्त मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल लड़े थे, लेकिन इस बार उनके खिलाफ कोई हैवीवेट नेता नहीं है। किसी भी दुकान पर बैठ जाइए, चुनाव की चर्चा कर लीजिए, चंद मिनट में माहौल मोदी मोदी हो जाता है। हाँ, वाराणसी में एक जगह ऐसी भी है जहां मोदी का जोर कम नजर आता है, वो है बुनकरों की बस्ती। बनारस का जिक्र होगा तो बनारसी साड़ियों को कैसे भुलाया जा सकता है, और उसे बनाने वाले बुनकर के दिमाग में क्या चल रहा है, ये जाने बिना वाराणसी के चुनाव को समझा नहीं जा सकता। मशरूल, शाहिद, बाबू, ये सभी साड़ियों के बुनकर हैं। मोदी को लेकर ये क्या सोचते हैं, अब जरा इनकी भी सुन लीजिए। बदलाव तो बहुत बुरा पड़ा हुआ है, बहुत बुरा पड़ा हुआ बदलाव, इससे कुछ लाभ नहीं मिला 5 सालों के अंदर जिसे पहले था आज भी उसे ही है, मतलब कुछ बदला नहीं। बदलने का मतलब ये है कि कारोबार नहीं चल रहा है, काम ठप चल रहा है, पैसा आगे से मिल नहीं रहा है, हम लोग परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं, उसकी से सब लोग परेशान हैं। वो आगे फिर से उनकी सरकार बनती है, प्रधानमंत्री बनते हैं तो मोदी जी से क्या उम्मीद रखे हैं? उम्मीद तो ऊपर वाला अल्लाह से रखनी है, अल्लाह जिसे कहेगा तो सब अच्छा होगा। अब मोदी क्या है? मोदी तो सरकार है, आज है कल नहीं है। हमें तो नहीं लगता है कोई प्रयास किया है, वैसे 5 साल में तो ऐसा ही लग रहा है। अब अभी भी वादे कर रहे हैं कि अगर एक बार और आ गए तो आगे बहुत अच्छा कर देंगे। बुनकरों की बातों से लगता है कि वो मोदी के काम से ज्यादा खुश नहीं है, शायद इसीलिए वोट देने के नाम पर पत्ते भी नहीं खोलते। हमने मोदी को वोट दिया,
और बड़ी उम्मीदें लगा के दिया कि गुजरात में बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ईमानदारी से बिजनेस चल रहा है, इस आधार पर हमने वोट दिया उनको। फिर वो उम्मीदें पूरी हुई कि नहीं? हमारी तो नहीं हुई। क्या उम्मीद थी आपको और कहाँ दिक्कत कहाँ आई? अरे अब ऐसे बढ़ के कौन बात है, अखिलेश ने 500 रुपया बुढ़वा पेंशन बेचते रहे, वो भी बंद कर दिया। वोट उम्मीद तो लगाए रहे कि देंगे, मगर इस बार जो है तबीयत उखड़ गई हमारे। हम तो कहीं से वोट ना दे, ऐसी बात नहीं। बुनकरों को सहायता नहीं मिली, बुनकरों को बहुत सहायता मिली, लेकिन केवल पूंजीपति तक जाके सीमित हो गई है। कोई भी गरीब आदमी को एक पैसे का लाभ नहीं हुआ। कांग्रेस भी करती रही, बहुत सोसाइटी बनाती रही, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में भी बुनकरों का एक चीज़ का फायदा नहीं। कांग्रेस के ज़माने में फ़ायदा क्या होता रहा कि अलल्ले तलल्ले लोग धंधा कर देते रहे, कहीं भी कोई माल कहीं बेच देता रहा, कोई कहीं ले जाता रहा। मेन चीज़ बेदलल्ले से हम कहीं ले जाके बेच देते रहे। हमको कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। DST क्या है? एक डर एक भय है। उसके दायरे में जो सही है उसको भी पुलिस वाले फंसा देते हैं। बनारस के बैटल ग्राउंड में मुस्लिम वोटर को अपनी ओर खींचने के लिए कल प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। रोड शो का रंग चढ़ पाता उससे पहले BJP की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रियंका के रोड शो की बगल वाली सड़क पर स्कूटी से रैली निकालकर अपनी मजबूती का संदेश दे दिया। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी महिला जो कार्यकर्ताएं हैं वो स्कूटी से निकली हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगने, उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करने के लिए। और सारी की सारी महिलाओं ने आप देख सकते हैं कि सर पे भगवा कलर का साफा पहन रखा है और लगातार मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, कितना उत्साहित है, किस जोश के साथ प्रचार? बहुत मजा आ रहा है और हम लोग मोदी जी के फुल टू सपोर्टर है और इस बार भी मोदी ही जी जीतेंगे, ये तो हम लोग का दावा। के लिए बहुत काम किया और उन्होंने लड़कियों को विशेष ध्यान दिया, इसलिए हम लोग सब महिला एक साथ हो गए मोदी जी की रैली निकाले हैं। नहीं एकदम नहीं, मोदी है मोदी, खाली मोदी है। क्योंकि उन्होंने बनारस में बहुत कुछ किया है, बहुत विकास किया है। लेकिन ये बताइए कि प्रियंका गांधी हैं, प्रियंका गांधी भी इस वक्त रोड शो कर रही हैं आपके बगल वाली सड़क पर, कितना असर उनका पड़ेगा? कुछ ऐसा नहीं पड़ेगा, हम लोग का रोड शो सक्सेस है, मोदी की जय हो। हम हाँ सही है, मोदी जी आगे हैं। इन महिलाओं की कोशिश ये रही कि प्रियंका के रोड शो के बीच अपनी तरफ ध्यान खींचा जाए, जिसमें ये सफल भी रही। इसके अलावा देश भर से वाराणसी में BJP के कार्यकर्ता पहुंचे हैं जो मोदी की जीत को रिकॉर्ड जीत बनाने में जुटे हैं। इन कार्यकर्ताओं को उम्मीद तो यही है कि इस बार भी काशी बम बम बोल जाएगी